आज के मॉडर्न युग में जब श्रृंगार की बात की जाती है तो ज़्यादातर महिलाएं उसके विरुद्ध नारेबाजी करने लगती हैं और कहती हैं कि खूबसूरती किसी मेकअप का मोहताज नहीं। समझ नहीं आता कि श्रृंगार और मेकअप, इन दोनों के बीच का भेद करना कैसे भूल गई हैं वो महिलाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को बताया कि श्रृंगार साइंटिफिकली भी हमारी बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। आज मॉडर्न देखने की जिद में महिलाओं ने श्रृंगार से कितनी दूरी कर ली है, मेकअप के करीब चली गई हैं, लेकिन श्रृंगार नहीं करती। श्रृंगार वो जो रोज धारण किया जाए। शुरुआत करते हैं सिंदूर से। मुझे तो ऐसी महिलाएं भी मिली हैं जिन्होंने कहा कि मुझे शौक नहीं है सिंदूर लगाने का, सिर्फ करवा चौथ पे लगाती हूँ। तो करवा चौथ पे भी क्यों लगाती हैं आप? धार्मिक मान्यताओं की अगर बात माने तो कहा जाता है कि सिंदूर पति की लंबी आयु के लिए लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं कि विदेशों में तो कोई नहीं लगाता, तो क्या उनके पतियों की आयु लंबी नहीं होती? तो चलो साइंस की भाषा में सीखते हैं कि क्यों सिंदूर लगाना इतना अच्छा बताया गया है महिलाओं के लिए, इतना बेहतरीन। इसके पीछे का कारण है, जो नेचुरल सिंदूर होता है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनता है, जैसे नींबू, हल्दी, ये दोनों ही, ये समझ लीजिए एंटीबैक्टीरियल भी हैं और हेल्थ बेनिफिट के साथ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा सहस्त्रार चक्र है, यानी हमारी बॉडी के सातों चक्रों में से सबसे ऊपर हमारे सिर के इस भाग में सहस्त्रार चक्र सेंटर में सिंदूर लगाने से वो सिक्योर होता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य रूप से चलता है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ सिंदूर ही बेनिफिशियल होता है। सिंदूर लगाने से हमें कभी एंजाइटी नहीं होती, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। बात आती है पायल की। बहुत लोग, हम भी नहीं पहनते हैं, लेकिन घुंघरू वाली पायल पहनने से क्या प्रॉफिट होते थे जानते हैं आप? जिस तरह से आप मंदिर में घंटी बजाते हैं और उस साउंड से जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी समाप्त हो जाती है आसपास के वातावरण से, महिलाओं के पैरों में पायल में जो घुंघरू बजते हैं वो भी सेम इफेक्ट डालते हैं। घर के अंदर जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है घुंघरू की आवाज़ से, वो घर से खुद ही बाहर चली जाती है। पहले घरों में कितनी शांति सुख हुआ करता था, क्योंकि स्त्रियां श्रृंगार को धारण किया करती थी जिम्मेदारी समझ के, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। जब आप श्रृंगार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रसन्न महसूस करते हैं, और जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपका सारा परिवार भी खुश होता है, आप अपने परिवार को अच्छी तरीके से ऑपरेट भी कर पाते हैं। श्रृंगार से दूरी बनाना किसी भी लिहाज से सही नहीं है। महिलाएं द्वंद्व युद्ध पे उतर आती हैं जब इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हम पुराने रीति रिवाजों में पकड़ के घसीट कर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फुली मॉडर्न हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ तब भी सिंदूर लगाती हूँ, मैं लहंगा, साड़ी, सूट्स, शॉर्ट्स सब कुछ पहनती हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, समय के साथ चलना बिल्कुल भी बुरा नहीं, लेकिन अपनी मान्यताओं को छोड़कर या उन पर शर्म महसूस करना ये हमारे लिए ही घातक है। आज की डेट में 70% कॉल मेरे पास महिलाओं की एक पर्टिकुलर परेशानी को लेकर आते हैं कि उन्हें एंजाइटी है। आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट, केवल एक हफ्ता आप संपूर्ण श्रृंगार धारण कीजिए, हैड टू डू। अंतर आप खुद मुझसे शेयर करेंगे। विश्वास कीजिए,
ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ बेनिफिट के लिए बनाई गई थी और समाज कितनी खूबसूरती से चलता था, आज त्राही त्राही मची हुई है। जुड़ें इन मान्यताओं से, जुड़ें, ये आपकी खूबसूरती को इन्हेंस करेंगी, डाउन नहीं, माइंड इट।